लेके आया हूँ आईपीसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिनियमित किया गया था, तो कब किया गया था? ये किया गया था 25 नंबर 1860 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपराध चार अवस्थाओं में सही क्रम दर्शाता है? तो ये जो आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम, तो ये चारों जो है वो सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो यह है धारा 18 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34 में दिया गया है यह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का बांध के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी बांध किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है महबूब शाह का बांध से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है? दो प्रकार की, पांच प्रकार, या चार, या सात? तो सातवें इसमें जो है पांच प्रकार की। पहले जो थी 6 प्रकार की थी, तो अब और रह गई है पांच प्रकार की। पांच प्रकार कौन सी? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का संप्रहण और जुर्माना। निर्वाचन जो था वो अब नहीं रहा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इग्नोरेनेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट के सिद्धांत से तात्पर्य है, तो इसके सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? विधि की जानकारी ना होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कोई अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित हो? तो यह कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य, परंतु इसके दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एवं स्टीफन्स के बाद किसके द्वारा की गई? तो इसके बाद जो की गई है लॉर्ड